नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। हरियाणा के होडल के अशोका गार्डन में कांग्रेस पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार महेंद्र प्रताप सिंह के समर्थन में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने जनसभा का आयोजन किया। जनसभा में उमड़े भीड़ को देखकर चौधरी महेंद्र प्रताप गदगद दिखाई दिए। कार्यक्रम में क्षेत्र के लोगों ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान व लोकसभा उम्मीदवार महेंद्र प्रताप का बड़ी फूलमाला पहनाकर और पगड़ी बांधकर स्वागत किया। साथ ही सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि आज देश से लेकर प्रदेश तक चारों ओर लूट खसोट मची हुई है। भाजपा वाले दोनों हाथों से नोट बटोर रहे हैं, जनता बुरी तरह त्रस्त है। उन्होंने कहा कि कृष्णपाल गुर्जर एक नेता थे, लेकिन आज वह करप्शन पाल हो चुके हैं। वह लीडर नहीं, अब डीलर बन चुके हैं। चौधरी उदयभान ने कहा कि लोकल ट्रेनें बंद करवा दी गई हैं और अपनी और अपने परिवार की बसें चलवा दी हैं। क्षेत्र के युवाओं को बेरोजगारी के गर्त में धकेल दिया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर पहली कलम से अग्निवीर योजना को समाप्त कर युवाओं को फौज में पूरी नौकरी दी जाएगी। केंद्र के 30 लाख खाली पड़े पदों पर युवाओं की भर्ती और किसानों को MSP गारंटी देने का काम किया जाएगा। इस ऐतिहासिक महान यज्ञ को हूँ तो ज्यादा होगा। माननीय इसलिए कि आप राष्ट्र के निर्माण के लिए अपना निर्णय लेने जा रहे हैं और ये चुनावी कार्यक्रम है और ये चुनावी कार्यक्रम भी ब्रिज की भूमि से है। ये कार्यक्रम उदयभान जी के सानिध्य में पहले पहल शुरुआत यहीं से कर रहे हैं। ये मेरा भी सौभाग्य, आपकी भी मेहरबानी है। आज के इस कार्यक्रम टेम्परेचर है और उसी सभा पर चुनाव जा रहा है। ये चुनाव 25 तारीख को जो होने जा रहा है, ये सबूत देगा इस बात का कि क्या हिंदुस्तान में तानाशाह राज करेगा या जो हिंदुस्तान के पूर्व के हुक्मरान जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, कितने लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, शहीद हुए, जिन्होंने इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना के लिए काम किया, इस देश में प्रजातंत्र रहेगा या तानाशाह रहेगा। नरेंद्र मोदी जी जो इस देश को चीन के रूस के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, जो चाहते हैं सिर्फ एक ही पार्टी का शासन हो और दूसरे विपक्ष का किस तरह से गला दबाया जाए, जो संविधान को बचाने के लिए संविधान में जो व्यवस्था की गई थी, चाहे वो इनकम टैक्स की, चाहे वो CBI की, चाहे वो इलेक्शन कमीशन की, चाहे वो जुडिशरी की, चाहे वो CBC की, चाहे CBI हो, चाहे कोई और दूसरी एजेंसियां हो, आज उन सभी एजेंसियों की विश्वसनीयता पर खतरा बना हुआ है। आज इस देश के जो संसाधन खड़े किए गए थे पूर्व की सरकार द्वारा, उनको एक एक करके बेचा जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी जो कहते थे कि सौगंध मुझे इस धरती की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, आज जल थल नव सब बिकाऊ है। आज हवाई जहाज बेचे जा रहे हैं, हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं, ट्रेनें बेची जा रही हैं, रेलवे स्टेशन बेची जा रही हैं, बंदरगाह बेचे जा रहे हैं, पनडुब्बियां बेची जा रही हैं, कोयले की सारी खदानों का सौदा हो रहा है, सारे बिजली के कारखाने और सारे इंश्योरेंस कंपनी और बैंकों का भी बुरा हाल करके रख दिया, और ये सारे के सारे बेचे जा रहे हैं, दो बेचने वाले और दो खरीदने वाले, सभी के सभी कुछ जो पूंजीपति लोग हैं उनके लिए नीतियां बनती हैं, उनके लिए टैक्स में माफी दी जाती है, उनको 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया जाता है, और दूसरी तरफ इस देश में रहने वाले किसान मजदूर गरीब मेहनत कश लोगों के छोटे व्यापारी कर्मचारियों के लिए जिस तरह की नीतियां लेकर के इस देश के अंदर आए, आज उनकी अगर व्याख्या करने बैठोगे तो आज देखोगे कि आज कोई भी व्यक्ति को आज सुखी कोई नहीं है सरकार से। नरेंद्र मोदी जी ने क्या गारंटी दी थी, कहा था कि मेरा राज आएगा तो हम किसानों को MSP की गारंटी देंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे,
2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी कर देंगे, ऐसा एक भी साल नहीं रहेगा जिसके सर के ऊपर छत ना हो। हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमेंगे, गंगा जमुना को हम साफ कर देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, आपके लिए हम बुलेट ट्रेन चला देंगे, जो डीजल कांग्रेस के समय में 55 रुपए लीटर था उस डीजल को हम 30 रुपए लीटर देंगे, पेट्रोल को 35 रुपए देंगे, गैस का सिलेंडर जो 410 रुपए का होता था उसको हम 250 रुपए का सिलेंडर देंगे और काम करेंगे। अगर नरेंद्र मोदी जी ने काम किए हैं तो बिल्कुल मोदी जी को वोट देना चाहिए, और अगर मोदी जी ने आपके जज्बातों के साथ धोखा किया है तो उनको सबक सिखाने का वक्त आ गया है। आप लोगों को देखना पड़ेगा कि आज प्रधानमंत्री ने अपने पद की गरिमा को किस तरह से समाप्त कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया तो प्रधानमंत्री जी बड़ी बेशर्मी से कहते हैं कि इसमें मुस्लिम लीग की गंध आती है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की गंध आती है। आगे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो तुम्हारे घर में बाजरा रखा होगा तो उसमें अगर जो मंगलसूत्र रखा होगा तो उसका भी एक्सरे कर लेगी कांग्रेस और मंगलसूत्र को तुम्हारे से चुरा करके मुसलमानों को दे देगी। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं तुम्हारे पास दो भैंस हैं तो एक भैंस को कांग्रेस ले जाएगी मुसलमानों को दे देगी। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि दो फ्लैट हैं तो एक फ्लैट को तुम पैसे छीन लेगी। ये प्रधानमंत्री का काम, प्रधानमंत्री को यह बताना चाहिए कि तुमने इस 10 साल में क्या काम किए हैं, तुम्हें क्यों वोट दिए जाए। तुमने कहा था कि 100 दिन के अंदर काला धन लाएंगे, 100 दिन के अंदर महंगाई को खत्म कर देंगे, तुमने किस तरह से जिस तरह से नोटबंदी की लोगों को गुमराह किया कि काला धन आ जाएगा लेकिन सारा अमीरों का काला धन सफेद धन बन गया। उस नोटबंदी से 3.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू का नुकसान हुआ, लाखों फैक्ट्रियों को ताले लग गए, 12 करोड़ लोगों का रोजगार छिड़ा और इस देश का गरीब पीड़ित शोषित वंचित किसान और मजदूर के बेटे और बेटियां हमारी महिलाओं ने 168 लोगों की अपने प्राण गंवाने पड़े, हमारी महिलाओं ने अपने बच्चे तक जन्म दिया था लाइन में, ब्याह शादी बंद हो गई थी उस नोटबंदी के कारण, और उसके बाद कोरोना आया। कोरोना आया तो कोरोना में क्या हुआ, क्योंकि ताली थाली बजाओ कोरोना भाग जाए, मोमबत्ती जलाओ, मोबाइल की लाइट जलाओ, कोरोना भाग जाएगा। उस कोरोना में जो वैक्सीन लगाई गई उस वैक्सीन पर भी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।